नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बॉयकॉट चाइनीज़ कॉन्सेप्ट आर्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम उन सभी जवानों को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम कभी भी उनके इस बलिदान का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और हमारी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने 52 ऐप्स की ऐसी लिस्ट जारी की है जिसका संपर्क चाइना से है, तो उसका मैं फ़ोटो आपको दिखा दे रहा हूँ। इन सभी ऐप्स को आप तुरंत डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ओपन करना होगा पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट में मैं एक बैकग्राउंड का लिंक आपको दे दूंगा, उस बैकग्राउंड को आप अपने होम स्क्रीन पर ले आएंगे एडिट करने के लिए। ये वाला बैकग्राउंड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर इसमें हम ऐड फोटो करेंगे। ऐड फोटो में हमें वो वाली फ़ोटो ऐड करनी है जो हमें लगानी हो। इसको आप पीछे भी रख सकते हैं और इसको आप पत्थर के पीछे भी रख सकते हैं। तो मैं पत्थर के पीछे रखूँगा, तो इसके लिए मुझे इरेज करना होगा बाकी का पार्ट जो पत्थर के ऊपर आ रहा है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इरेजर में जाके इसको मैं थोड़ा फास्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत ही आराम से करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, इससे ही पूरा नकली और असली लगता है। तो इसको बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। इसको करने के बाद अब लग रहा है कि जैसे हम पत्थर के पीछे हैं, तो इसको फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में मैं आपको एक गन और एक हेलमेट का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये बलिदान का सिंबल होता है हमारे शहीद जवानों के लिए, तो इसको हम कर लेंगे। इसको अच्छे से इरेज करके हम पत्थर के पीछे कर लेंगे और इस हेलमेट को इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम इरेजर में जाके इसकी डोरी वाला जो है इसका, उसको इरेज कर लेंगे ताकि लगे कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको अच्छे से इरेज कर लेंगे। अब अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर से टिक कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर अब चलेंगे हम टेक्स्ट के ऑप्शन में। टेक्स्ट में हम जाएंगे और लिखेंगे बॉयकॉट चाइना। अब हम इसे अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। एक फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको शर्ट के ऊपर रियल लगने के लिए हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे और इरेजर में जाके इस ओपेसिटी और हार्डनेस और साइज़ को कम करके यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करेंगे जहाँ पे शर्ट हमारी भूरी है, ताकि लगे कि ये शर्ट पे ही लिखा हुआ है। इसको अच्छे से जहाँ जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर इसको इरेज कर लेंगे। मैं इसको फास्ट करके दिखाता हूँ, आप आराम से इरेज करिएगा। इस करने के बाद फिर इसको हम टिक कर देंगे। फिर जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में हम लिखेंगे जय हिंद। जय हिंद लिखने के बाद इसको मैं फिर वही फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे जो पत्थर रखे हुए इस पर लगाऊंगा और सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करना है। हम जाएंगे उसको इरेजर में इरेज करेंगे और फिर उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और फिर अच्छे से इसको इरेज करेंगे जहाँ जहाँ पर ब्लैक आउटलाइंस दिख रही हैं, ताकि ये लगे कि उसी पत्थर पर ये लिखा हुआ है। इसको हम आराम से कर लेते हैं। अच्छे से करने के बाद इसके बाद हम फिर से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें अच्छा लगेगा। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि रियल सा लगे और फिर इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब हम यहाँ पर एक पीएनजी लगाएंगे, लाइट की पीएनजी लगाएंगे। इसके अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसको स्क्रीन पर करके हम इधर नीचे लगा लेंगे। लगाने के बाद हम ऊपर से टिक करके इस फोटो को कर लेंगे सेव और इस पिक्सआर्ट वाली फ़ोटो को हम ऐड करेंगे लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में जाएंगे, फिर इसको हम इसके हाईलाइट को कम कर लेंगे, शैडो को बढ़ा लेंगे और वाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर यहाँ पे जो कलर्स का ऑप्शन दिया रहता है इसमें मिक्स में जाने के बाद, यहाँ पर आप कई सारे कलर्स रहेंगे, उसको छेड़ के आप अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा के अलग सा टोन दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और फिर जाएंगे हम इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जाने के बाद हम को अच्छे से हाईलाइट और शेडो को मैच कराएंगे। यहाँ पर अपने हाथ से आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसी आपको टोन देनी है अपने फ़ोटो में। टोन को सेट करने के बाद अब हम जाएंगे उसको ऐड करके फिर इस यहाँ पर क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और विनियट को थोड़ा सा कम कर देंगे, माइनस की ओर कर देंगे, ताकि देखने में फ़ोटो अच्छी लगे। अब देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ़ोटो लग रही है।
तो फिर इसको शेयर में जाके सेव टू डिवाइस कर देंगे और हमारी फ़ोटो हो जाएगी एडिट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर जय हिंद जरूर लिखें और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।